सारे भाइयों ने राम राम भाई, मैं हूं तारा देसी पत्रकार धर्मू और भाई देसी देख बिना ब्रेक। तो भाई न्यू का आग्रह, दुनिया में कई ढाल के अजूबे देखने मिला कर रहे हैं और खास तौर पर जो मध्यम वर्ग है उसके लिए कुछ खास अजूबिया की जरूरत हो गए है। इसे कड़ी में जहाज बात करा तो फिलहाल हम करनाल में मौजूद हाँ, नंगला चौक मेरठ रोड पर नंगला चौक पर मौजूद हाँ। और मारे गेले भाई देसी इंजीनियर मौजूद हैं किशन जांगड़ा। पहले तो हमारे दर्शकों ने राम राम कर दिया, सभी दर्शकों को राम राम जी मेरा। तो भाई टेम टेम पे कई ढाल की हस्ती हो हरियाणा में, कोई तो बात सरकार मागा हो आग्रह है, कोई कि मैं क्या है मागा हो आग्रह है, लेकिन फिलहाल मैं कहूँगा कैमरामैन जी कहूँगा एक बार थोड़ा सा दूर तक दिखा दे शाम। यहाँ देखो भाई 1 2 3 4 5 दुकान है और ये भाई पहले आड़े होया कर दी ए जीता हम खड़े हाँ, यानी कि रोड पे। और यू मेरठ रोड है, अतिक्रमण के चलते इनको नोटिस दे दिए सरकार ने, नोटिस दे दिए कि भाई ये तारी अवैध उसमें आ गए, अवैध एरिया में न्यू बात है जी। ये रोड में आ गए जी ये हाँ। रोड की वजह से पीछे सरकाने के लिए बोल गए थे, तोड़ने के लिए बोल गए थे, इन्होंने मेरे को ढूंढा पकड़ा, मेरे सलाह ली, मतलब न्यू की यू बिल्डिंग आपके पीछे चली जाएगी और उसके नीचे बेसमेंट है। इससे पहले भी आपने एक कारनामा करके दिखाया था, कितनी लंबी दीवार थी वह? वो दीवार थी 470 फुट समालखा में, एक तो धारा 370 हटी थी और क्या फिर 470 फुट की दीवार हटाई थी। ये है देसी इंजीनियरिंग का कमाल। और फिलहाल तो हम देखने लग रहे हो तारती लाइव तस्वीर दिखावांगे किस तरह जो है देसी इंजीनियर का आदेश पे हवा में जो कर हवा में ताश के पत्ते उड़ा कर नी इस उस स्टाइल में दीवार जो है जो दुकान है बड़ी बनाई दुकान उनको सरकार का जो काम है वो होगा। जादूगरी तो कम को नहीं। तो कृष्ण जी जादूगरी वाला मामला है। चलो जी यार जैसे भगवान की मेहर है जी, इतना दिमाग दिया भगवान ने हमारे को, बहुत काफी काफी लंबा एरिया हो गया। एक आधो है चार इंच सरक जे, एक फुट सरक जे, 28 फुट सरका ली है ये और 5 फुट और पीछे जाएगी। अच्छा हाँ जी, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, शुरू होगी। चलो भाई लो भाई देखो, ध्यान से देखो नजारा देखो तुम, ये देखो भाई स्टाइल। तो ये जादूगरी सिक्की कितना है? बस जी भगवान ने वैसे दिमाग दे दिया, मैं इसके ऐसा ही काम करेंगे जो दुनिया देखे, यही तमन्ना थी आपकी। तो ये देखो भाई तुम देखो ध्यान से, और कैमरामैन तो कहूँगा एक बार नून की दीवार दिखा हुआ है, और जो कर चीन की दीवार हो कर नहीं, नून की जो दीवार है पूरा एरिया खाली है नून का। और इस तरह के सिस्टम में दीवार को सरकाना बहुत बड़ी चुनौती है, दीवार के पूरी दुकान। कैमरामैन तो कहूँगा एक बार ये दिखा दे भाई, ये देखो भाई देखो भाई ये देखो किस तरह जो है। अच्छा नीचे अंडरग्राउंड है? नीचे पूरा अंडरग्राउंड है, अंडरग्राउंड के ऊपर को चल रही है। अच्छा, अच्छा। और साइड में देखो 7-8 फुट गहरी है, बिल्कुल किनारे के ऊपर को चला रखी है। ये तो भाई ठीक हो काम कर दिया, बोले खम्बे को मैं तार बना दूं, स्कूटर को मैं कार बना दूं हैं, और तू कहे तो लाहौर में सरकार बना दूं, वो काम कर दिया है। तो कृष्ण जी मतलब जो है ना लगातार आप जो इस तरह के कारनामे करने लग रहे हो, सबसे बड़ी बात तो यह बताओ कि एक दुकान ये जिस तरह आपने 1 2 3 4 5 पांच दुकान सरकार के पास से ले गया आप, इसने तोड़ के जो दोबारा बनाए हैं, कैमरामैन जी कहूंगा एक बार उड़ान से आज जय इन तोड़ के दोबारा बनावे जी, फायदा था कि सरकार में फायदा है? नहीं तोड़ के बनाने में तो 20 लाख रुपया खर्चा था जी। अच्छा अब ये सारा 6 लाख रुपए में काम चल गया। फिर दूसरी बात है टाइम की बड़ी बचत है, अब ये 1 महीना में तैयार हो गया, फिर 6 महीने लगते थे, फिर दुकानों किराया सेम चलता रहा, खाली कराने की जरूरत नहीं हमने। बिल्कुल बिल्कुल यानी काम भी गला चल रहा है। कैमरामैन जी कहूंगा उन्होंने दिखावा जिस तरह बोर्ड बार्ड भी न्यू लग रहे हैं, बोर्ड भी को नहीं हटाए हैं, यानी के और जो कर हमारा डायलॉग आ रहा नहीं देसी देख बिना ब्रेक, तो वो एक काम है बिना ब्रेक काम भी चल रहा है और दुकान भी चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल सामान नौकरियों है, दुकानदारी चल रही है। तो कृष्ण जी भविष्य में जब मैं बात करूं तो किस तरह का इरादा है आपका, क्योंकि सबसे पहले अमेरिका में एक थिएटर को सरकार आ गया था कई साल पहले की बात है, तो और कुछ बड़ा किस तरह का ऑफर, किस तरह का कोई स्टाइल, क्योंकि मारे तो सुन मारी है कि देसी इंजीनियर दो रहे कई तरह के बड़े बड़े ऑफर आ रहे हैं और कई तरह के स्टाइल आप जो है ना कुछ नया कुछ करने का इरादा है। हाँ जी एक झारखंड से मेरे पास ऑर्डर आया है जी थिएटर सरकाने का। अच्छा 3 किले दूर लेके जाना है, यानी 3 किले 3 किले दूर यानी अमेरिका वाला इतिहास दोबारा दोहराओगे? हाँ जी उसमें ऐसा है थोड़ा
पेमेंट की दिक्कत रह रही हमारे उनके बीच में, सेटिंग होते वहाँ हम वो काम करेंगे जी। सेटिंग भी कर ले हो? हाँ सेटिंग तो पैसे की तो कर इस उम्र में। हाँ जी पैसे ही सेटिंग करेंगे। हाँ जी हाँ, तो वो, हाँ, जो आपकी जो टीम है हाँ, यानी जो ये काम जिस तरह मैंने लगातार कंटिन्यू सरकार लग रहे हैं हाँ जी, इनको स्पेशल कोई ट्रेनिंग दे हो आप, जिस तरह कमांडो ट्रेनिंग हो अगर कमांडो बनाने खतर हाँ, तो मकान सरकार खतर भी को स्पेशल ट्रेनिंग दे हो? हाँ जी देनी पड़े, ट्रेनिंग बगैर तो काम नहीं चलेगा, इसमें कोई हादसा होने का बड़ा खत्म दिखा बड़ी दिक्कत होती है। बिल्कुल बड़े ध्यान से काम करना चाहिए, उनको सिखाया जावा पहले फिर उनको काम पे लगाया जावा। तो खासतौर पर जो मध्यम वर्ग है उनके लिए बहुत बड़ी बात है, और मैं कैमरामैन से कहूंगा एक बार न्यून के सीन भी दिखा दे, ये ज्यादातर जो है ना कुछ ना तो अपनी तोड़ का पाछा कर ली दुकान हाँ हाँ। लेकिन कुछ और भी हैं इसे जो न्यून भी देखा तो अभी जो है ना ये नोटिस दिया था पहले इन्हें? हाँ जी नोटिस आया है, अभी इन दुकानों का 8 तारीख लग का, 8 तारीख से पहले हटानी पड़ेंगी। तो ये रोड का मामला था? हाँ जी रोड का मामला था, ये रोड की लो जी दे दिए हैं ऑर्डर। तो इसमें न्यू तो ध्यान रखना पड़ता होगा बराबर की जो चलेगा। बराबर चलेगा तो एक जैक टाइट हो जाएगा ना अपने आप ही रुक जाएगा, दूसरा ढीला हो जाएगा। अच्छा अच्छा हाँ जी चल भाई चला के चल। तो इसको ये कितने दिन में सरका दिया आपने? ये जी 28 फुट हमने 7 दिन में सरका दिया। 28 फुट 7 दिन में? 7 दिन और जो करो अगर नहीं भाई 180 किलोमीटर प्रति घंटा 60 किलोमीटर प्रति घंटा तो या 28 फुट एक हफ्ते में एवरेज आती है। चार दिन में 4 फुट अच्छा एक दिन में 4 फुट सरकार दे। एरिया भी लंबा है ना एरिया तो 53 फुट तो ऐसा है, 33 फुट ऐसे है। बिल्कुल बिल्कुल 1700 फुट एरिया है। अच्छा नीचे बेसमेंट एक बार थोड़ा बेसमेंट और दिखाई दे दर्शकों ने कित को। अच्छा आगे को भी दिखाओगी? ये देखो भाई नीचे बेसमेंट है और ऊपर तक दुकान न्यू की न्यू सरकार दी, किसी चमत्कार तक कम नहीं है। अच्छा ये नीचे बेसमेंट है? हाँ जी नीचे बेसमेंट है। लो भाई ये पूरा बेसमेंट है, बेसमेंट को ऊपर पे चल रहा है। ठीक ठीक हाँ जी बेस फुट लंबा ये 66 फुट लंबा। तो ये भी इसने लगभग पूरा प्रोजेक्ट की अगर बात करना तो कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा ये? कल तो पूरा सरक जाएगा, 3 दिन में इसकी सेटिंग कर देंगे दोबारा जो नीचे से बराई कर देंगे। 7 और 3 10 हाँ 10 दिन में पूरा काम हो जाएगा। 10 दिन में और 5 दुकान 35 फुट पाछे सरका दी, बहुत बड़ी बात है। यानी कि लाखों रुपया का खर्च जो है इसमें बच गया, यानी कि जो मालिक है उसकी इतनी बचत होगी। बचत होगी जो टाइम की सबसे बड़ी बचत है। उठाने वाली बड़ी पार्टियां हैं। दूसरी बात मैं घमंड से नहीं कह रहा हूँ, किसी भी कोई भी काम दिक्कत में आ जाए किसी का काम रुक जाए तो हमारे को बुलाओ। 5 मंजिल कोई मंजिल आगे पीछे करनी है, ऊपर नीचे करनी है, टेढ़ी हो जाती है, दरार मार जाती है, बेस बिल्डिंग के नीचे बेसमेंट बनाना है, भगवान की दया है जी। जो बिल्डिंग बन रही है उसके नीचे बेसमेंट, उसके नीचे बेसमेंट बनाना है, हम तैयार कर देते। तो भाई देसी इंजीनियरिंग की जादूगरी का इसका इसने आप आगे 5 मंजिल तक की अगर बात करें तो 5 मंजिल की बिल्डिंग को सरकार की कैपेसिटी रखे हैं किरसन जांगड़ा जी। अरे भाई नंबर तो हम देखने लग रहे हो, तो हमने भी जरूरत पड़े तो हम भी संपर्क कर लियो भाई, मेरे कहने के देखो वीडियो ने शेयर कर दो एक बार नंबर। हाँ बिल्कुल नंबर है जी मेरा 96715 85000। बिल्कुल तो भाई याना शाना छोड़ छिंदा बड़ा छोटा बुढ़ा ठेरा पड़ोसी मित्र प्यारा सारे मिलकर वीडियो ने जी लाइक है शेयर कर दो। ये हमारे मालिक आ गए जी, अच्छा बढ़िया जो जो ये सरकार लग रही है जिनकी दुकान है। ठीक आ जाओ भाई और सीट पर आ जाओ, बहुत बढ़िया लड़का है जी, इसने हमारी बहुत मदद करी है। विजय भाई राम राम आ जा, हमारे दर्शक ने भी राम राम कर दिए। राम राम जी राम राम। तो नाम तो विजय है, इस पर भी विजय पहली है। अंकल जी ने विजय पाई अच्छा, पाई। नहीं के सोच के बुलाया इनको भी गब्बरी नाम देगा। नाम तो जी इनाम के हकदार है जी बिल्कुल। तो जी इतना के लागत विजय भाई जो लागत की अगर बात करा तो फिलहाल जो प्रोसेस चल रही है पेटा भर गया आपका, तोड़ फोड़ का दोबारा बनाओ अजीब ठीक था यही ठीक है? नहीं तोड़ फोड़ का बनाओ सारा टाइम खराब था, एक दो एक मीटर खराब था टाइम खराब था। इसमें ये है ना मीटर खराब होया ना टाइम खराब होया, ना इसमें मौसम तो खराब होया, मौसम खराब रहा। तो लास्ट में एक दो दिन ही होया क्योंकि कारनामा मैं इतना बड़ा कर दिया भाई, भगवान ने भी ऊपर तक जमाने बारिश कर दी जमा है खुशी की बारिश। तो भाई याना साना छोड़ छिंदा बड़ा छोटा बुढ़ा ठेरा पड़ोसी मित्र प्यारा सारे मिलकर वीडियो ने शेयर कर दो, शेयरिंग का तार दो फतूर ताकि मजा आवे भरपूर।
और नंबर तो हम देखने लग रहे भाई, जब कृष्ण जांगड़ा जी तो हमने संपर्क करना है, तो भाई नीचे जो ये नंबर चलने लग रहे हैं इन पर हम संपर्क कर सको हो। और खास तौर पर मध्यम वर्ग के लिए किसी विश्वकर्मा से कम नहीं है कृष्ण जांगड़ा जी। तो ठोको शेर, मैं हूं तेरा देसी पत्रकार धर्मू, जय जवान जय किसान जय हरियाणा जय भारत। खाने को चटकारेदार बनाना हो तो आज ही ले आइए CBH का पुदीना चटनी मसाला। नेचुरल पुदीने से बना, ले चले आपको नेचर के अलग बेहतरीन पुदीने के जायके की ओर। अब खाना चटखारे से खाइए CBH मसाले का पुदीना चटनी मसाला। CBH मसाले, स्वाद अनोखा बात अनोखी।